नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन ट्रेनिंग जहां हम सीखते हैं एडवांस एक्सेल एंड वीवीए मैक्रो। दोस्तों, ये रिकॉर्डिंग जो है हमारी लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग है जो कि डेली बेसिस पे हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। सुबह के 7 बज चुके हैं और हमारे साथ कुछ बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से। तो देखिए किस तरीके से हम लोग ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे बच्चे आए हैं और हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। गो टू मीटिंग सॉफ्टवेयर से एक कंप्यूटर स्क्रीन और लाइव मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, मैं उनको सुन पा रहा हूँ। तो आप भी देखिए किस तरीके से हम क्लासेस लेते हैं। अभिषेक जी, अवधेश जी, नरेश जी, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? ओके, तो चलिए आज की सेशन स्टार्ट करते हैं। मेरी वॉइस आपको आ रही है ना? ओके, तो बेसिकली हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, आज की जो हमारा सेशन है इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सटर्नल पिवट टेबल। जी हाँ, हम आपको आज एक्सटर्नल पिवट टेबल के बारे में बताने जा रहे हैं कि एक्सटर्नल पिवट टेबल कैसे यूज करता है। तो क्लास को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि कोई डाउट वगैरह है आपके पास? हाँ पूछिए। हाँ सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट होता है कब? सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट उससे कर सकते हैं। आपको ये प्रॉब्लम हो रही है ना कि इमेज में लिखा हुआ है, ऐसे टू नीचे कैसे आएगा या स्क्वायर कैसे आएगा? तो जैसे कि मान लीजिए कि हमने H2O लिखा, H2O, तो उसके लिए आप जो है इस पे टू को सेलेक्ट कीजिए और नीचे सुपरस्क्रिप्ट। तो मैनुअली टाइप करना था आपको, इमेज को वर्ड में तो नहीं करता है? नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। इमेज टू वर्ड अगर होता तो बात है, अभी तो ऐसे इतना नहीं है। अगर इमेज टू वर्ड होता तो ये जो डाटा एंटिटी ये है क्रिएट कर तो नहीं होता। डाटा एंट्री का इतना बड़ा जो लिस्टी है वो तो खत्म हो जाता। नहीं ठीक है, आगे बढ़े। अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल पिवट टेबल, तो एक्सटर्नल पिवट टेबल क्या करता है उस चीज को जानिए। एक्सटर्नल पिवट टेबल करता है, उसे माने पिवट टेबल आपको बताया कि जिस डेटा पे हमारा पिवट था उसी डेटा पे पिवट टेबल लगा, राइट? कि मान लीजिए हमने डेटा रख रखा है, इसमें डेटा वाली फाइल है तो हमने उसी पे डेटा का ये लगा, जैसे डेटा तो इसी पे हमने पिवट टेबल इसके बगल में हमने बना लिया, राइट?
तो हम चाहते हैं अब पिवट टेबल सेम सीट में लगाना, मतलब कि सेम सीट में लगाना है तो पिवट टेबल हम यूज कर लेते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम पिवट टेबल किसी और फाइल में लगा, कि मतलब एक्सेल फाइल हमारा डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है और हम पिवट टेबल लगाना चाहते हैं इस बुक वन के सीट वन पे, और हम उस पिवट टेबल वाली फाइल जो डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है डेटा वाली फाइल, और डेटा फाइल को ओपन नहीं करना चाहते, तो इसमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, इसकी जरूरत आता है जी? इसकी जरूरत पड़ती है जैसे कि आगे चल के आप सीखोगे प्रॉब्लम होती है जैसे कि डेटा का ऑटोमेटिक अपडेट होना या फिर डेटा का रेंज ऑटोमेटिक लेना। तो पिवट टेबल में आप जैसे लगाते तो आपका रेंज, मतलब पिवट टेबल आपने डेटा को सिलेक्ट करके लगाया तो आपका रेंज फिक्स होता है ना कि वो रेंज जो है वो 50 तक ही होगा, अगर आपने डेटा ऐड किया तो मैनुअली इंक्रीज नहीं होगा, सॉरी ऑटोमेटिक इंक्रीज नहीं होगा, मैनुअली इंक्रीज करना पड़ेगा आपको, राइट? समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया? जैसे कि पिवट टेबल मान लीजिए मैंने बनाया तो डेटा ये 100 रो तक था, तो 100 रो तक पिवट लग गया, कल के डेट में अगर हमने 10 रो और डाल दिए तो पिवट टेबल मेरा ऑटोमेटिक अपडेट नहीं करेगा। ऑटोमेटिक अपडेट करने के लिए मुझे एनालाइज में जाना पड़ेगा और चेन सोर्स डेटा सोर्स करना पड़ेगा। दूसरा कि मुझे हर बार रिफ्रेश करना पड़ेगा, दो प्रॉब्लम ही होंगे। तीसरी प्रॉब्लम ये हुई कि अगर आपका कोई हेडिंग ब्लैंक है तो पिवट टेबल नहीं लेगा, राइट? और चौथा प्रॉब्लम जो होता है कि आपकी लार्ज डेटा में इसका ऑपरेशन थोड़ा सा डिले होता है, क्योंकि आपके पास लार्ज डेटा है तो ऑपरेशंस डिले मतलब कि हैंग करेगा। इन सब प्रॉब्लम को दूर करता है एक्सटर्नल पिवट टेबल, वो ऑटोमेटिकली पूरी शीट का अरेंज लेता है, एक टाइम पीरियड में डेटा को रिफ्रेश करता है, माउस का यूज भी करता है, कीबोर्ड को अब यहां पे हम आगे बढ़ते हैं कैसे लगाए। तो पिवट टेबल में आइए, पिवट टेबल यहां पे आता है यूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स, इस पे चूज कनेक्शन पे, चूज कनेक्शन। अब यहां पे जो पहले से आपने कनेक्शन क्रिएट किए हुए हैं वो तो यहां दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन आपको अभी तक मैंने कोई कनेक्शन क्रिएट नहीं किया है, बिल्कुल ब्लैंक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे ब्राउज फॉर मोड पे आते हैं और लोकेशन जहां पे मेरा डेटा पड़ा हुआ है उस लोकेशन पे चले जाते हैं, डाउनलोड में, डाउनलोड में है हमारा डेटा सैंपल, ठीक। अब प्रॉब्लम क्या है कि एक बार में एक ही सीट से डेटा आपका लगा है, एक बार में एक ही सीट से डेटा पिवट लगेगा, आपके पास एक से ज्यादा सीट है तो उस जिस सीट से डेटा लाना है उस सीट को सिलेक्ट कीजिए, जिसे ऑर्डर से लाना है अगर ऑर्डर को सिलेक्ट कर लिया देन ओके एंड देन। और यहां देखिए आपका पिवट टेबल बन गया, और पिवट टेबल अपने मर्जी से लगा सकते और रिफ्रेश कीजिएगा, मैनुअली रिफ्रेश होगा कि हेडिंग, अगर हेडिंग ब्लैंक होगा फिर भी ले लेगा, हेडिंग का नाम और कॉलम F1 F2 करके ले लेगा, और दूसरा ऑटोमेटिक रिफ्रेश कि ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो, तो उसके लिए आपको डेटा में जाना है, कनेक्शन में जाना है और इसकी प्रॉपर्टीज में आके यहाँ रिफ्रेश एवरी मिनट दे दीजिए, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आपका स्टार्ट हुआ, ठीक है।
एनेबल बैकग्राउंड रिफ्रेश, वो भी जो है बैकग्राउंड में चेंज होगा तो रिफ्रेश हो जाएगा, लेकिन इसमें दिक्कत होता है आपका एक्सेल हैंग हो जाता है, इसलिए हम इसको यूज ना करके इसको करते हैं। ठीक है, रिफ्रेश द मेन ओपनिंग फाइल, ऑटोमेटिक रिफ्रेश यहाँ आप लगा सकते हैं। तो एक्सेल से इसी तरह से आप पिवट टेबल इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ओके, अब बात करते हैं कि अगर डेटा मेरा एमएस एक्सेस में पड़ा हुआ है तो सेम आप पिवट टेबल में यूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स में जाइए, चूज कनेक्शंस। अब देखिए यहाँ पे आ गया सिंपल डेटा, ब्राउज फॉर मोर, आपके पास कोई एमएस एक्सेस का डेटाबेस है, एमएस एक्सेस का डेटाबेस कोई है तो कर सकते हैं। तो डेटाबेस वन आ गया, इसको सिलेक्ट किया एंड ओपन, इंतजार कीजिए एंड तो ये आपका एमएस एक्सेस का डेटा है, राइट। तो आपने पहला पिवट टेबल लगाया एक्सेल से, दूसरा लगाया आपका एमएस एक्सेस से, राइट। अगर हम आप चाहते हैं कि ओरिकल, अब मेरे पास क्या है कि ओरिकल तो फिलहाल नहीं है, एसक्यूएल सर्वर है, तो एसक्यूएल से हम लगाना चाहते हैं, तो आप एसक्यूएल सर्वर आपके सिस्टम में है तो लगा सकते हो, देखो मेरे सिस्टम एसक्यूएल है कि नहीं। एसक्यूएल सर्वर तो होना चाहिए, जस्ट मैंने विंडो इंस्टॉल ही किया है, सारा फीचर्स पहली बार ओपन हो रही है। ओपन कर लीजिए, तब तक मैं आपको सिखाता हूं कि आप फ्रॉम बिप, कि मान लीजिए कि मेरे पास एक फाइल है जो कि मुझे बार बार ओपन करनी पड़ती है, एक फाइल है जो कि बार बार मुझे एक पर्टिकुलर लोकेशन से ओपन करनी पड़ती है, डाउनलोड करके, मतलब कि पर्टिकुलर लोकेशन से डाउनलोड करके फिर उस पे हम पिवट टेबल लगाते हैं। जैसे कि मान लीजिए ना आपका ये मिलाया होगा डाउनलोडिंग, यहाँ पे इसको राइट क्लिक करते हैं और कॉपी डाउनलोडिंग लिंक, देखिए डाउनलोडिंग लिंक नहीं आ रहा है, एक बार दोबारा करते हैं, देखिए दोबारा इसको डाउनलोड, अब यहाँ पे हम इसकी लिंक को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी लिंक लोकेशन, और उसके बाद हम जाते हैं यहाँ इंसर्ट करते हैं पिवट टेबल, इसमें आप यहाँ पे क्या है चूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स ब्राउज़ फॉर,
अब ब्राउज़ मोड में अब मुझे उसका जो पाथ है उस पाथ को हम यहाँ पेस्ट करें और फिर ओपन करें। ये थोड़ा सा टाइम लेगा तो इंतजार कीजिए, तब तो मैं ये स्क्वेयर हो गया हो गया। नहीं नहीं वो अलग है। हाँ तो सॉरी इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। कुछ प्रॉब्लम आ रही है सर इसमें, जैसे भी ग्रुप गो टू मीटिंग चालू रहता है ना तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं हो जाता है। दूसरा फाइल देखते हैं। यहाँ राइट क्लिक डाउनलोड कॉपी डाउनलोडिंग लिंक एक्सेल पे जाता हूँ। और यहाँ पे चूज कनेक्शंस ब्राउज फॉर मोर, और यहाँ पे हम उस फाइल के पाथ को डाल के ओपन करते हैं। आ गया सेल्स डेटा, मैंने सेलेक्ट किया एंड ओके किया, और देखिए यहाँ पिवट लग गया। कस्टमर नेम, तो ये इंटरनेट पे डेटा है, इंटरनेट पे डेटा जो है उसके अकॉर्डिंग ये कर रहा है। ठीक है रिपोर्ट, तो इसी तरह से इसको डाउनलोड करने की बार बार डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, एक बार में आप प्रॉम्प्ट वेब से लगा सकते हो। तो आपको पता चल गया कि प्रॉम्प्ट वेब से कैसे पिवट टेबल इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए सीक्वल सर्वर की बात करते हैं। तो ये सीक्वल सर्वर है, मैं एक बार इसका एक कॉपी कर लेता हूँ पाथ, ये पाथ कॉपी कर लीजिएगा सर्वर नेम जो है, तो इसको कनेक्ट कीजिए। तो एसक्यूएल सर्वर का क्लाइंट आईडी एसक्यूएल सर्वर होना चाहिए। अब देखिए क्या है कि इसमें डेटाबेस मेरे पास नहीं है, इसमें मैंने डेटाबेस नहीं किया हुआ है, डेटा वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे एक बार डेटाबेस मैं बना देता हूँ। 2 मिनट लगेंगे। न्यू डेटाबेस, क्या हो गया पता है। अब यहां पे मैं डेटाबेस नेम दे देता हूं, जैसे मैंने दे दिया डेटा 1, डेटा 1 और ओके कर देता हूँ। हो गया। अब यहां पे डेटा 1 आ गया। अब इस डेटा 1 के अंदर मुझे टेबल्स नहीं है, मुझे तो इसको टेबल क्रिएट करना है। टेबल टेबल
टेबल भी होना चाहिए ना सर। तो एक मान लीजिए हम एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं, तो यहां पे कॉलम नेम क्या होना चाहिए? मैंने बोला यहां पे होना चाहिए आईडी, ये होना चाहिए नंबर, एंटर। उसके बाद नेम, उसके बाद सिटी और सैलरी हमारा नंबर में है। और इसको हम यहां से क्लोज करते हैं। और टेबल के जगह पर मैं यहाँ पे डेटा दे रहा हूँ, डेटा वाला। अब इसमें डेटा एंट्री कर देता हूं एसक्यूएल में, एडिट। डेटा पहले से बना रहता है, मैं बना रहा हूं क्योंकि मैं एसक्यूएल में इंस्टॉल ही किया है इसमें। ताकि हम पिवट टेबल से लगाया, ठीक है। अब इसको सेव करके क्लोज कर देते। अब चलिए हम अपने डेटाबेस, अब मुझे जो टेबल बनाया हुआ है उस टेबल को एज ए पिवट टेबल इंपोर्ट करना है हमारे इस बुक वन में। तो इंसर्ट करते हैं पिवट टेबल, यूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स, चूज कनेक्शंस, ब्राउज फॉर मोर, और फिर यहां पे हम, अब मुझे SQL सर्वर से लेना है तो मुझे यहाँ न्यू सोर्स में जाना पड़ेगा और यहाँ पे SQL सर्वर सेलेक्ट करना होगा, नेक्स्ट। अब यहाँ पे सर्वर नेम, जैसे मैं कनेक्ट किया था सर्वर ना, उसमें सर्वर का नेम आया था, ऐसे आपको जब सर्वर बनाएंगे तो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। और उसके बाद आता है विंडो एप्लीकेशन, मतलब कि सर्वर अगर लोकल है तो विंडो एप्लीकेशन में चलेगा, अगर आपका क्लाइंट सर्वर है मतलब सर्वर कहीं और है, बस आपको लॉगिन आईडी मिला हुआ है, फिर एक्सेस करना होता है, तो फिर यहाँ पे आपको यूजर पासवर्ड देना पड़ेगा। तो ऑफिस वगैरह में क्लाइंट सर्वर ही ज्यादातर होता है। फिर नेक्स्ट कीजिए, ये सर्वर को कनेक्ट करेगा, थोड़ा भी स्पेलिंग मिस्टेक हुआ तो नहीं करेगा। अब यहाँ पे आता है डेटाबेस, तो बाय डिफॉल्ट आपका मॉडल मास्टर मॉडल MSDB और रिपोर्ट सर्वर एंड रिपोर्ट ऑलरेडी होता है, लेकिन मुझे तो डेटा वन में जाना है क्योंकि डेटा वन मैंने बनाया था, और डेटा वन में हमारा सेम डेटा वन नाम का टेबल है, उसको सिलेक्ट किया, नेक्स्ट किया एंड फिनिश कर देता हूँ। एंड तो नेम सिटी सैलरी बनाया, उसी तरह से ओरिकल है तो ओरिकल के साथ ला सकते हो, फिलहाल तो मेरे पास ओरिकल इसमें नहीं है सिस्टम में, इसलिए अभी नहीं कर सकता, फिर ओरिकल होगा तो हम ओरिकल के थ्रू भी इसको कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा एक्सटर्नल पिवट टेबल है, जैसे कि आपने देखा कि आप
एक्सेल टू एक्सेल को लगाया, आपने एक्सेल टू एक्सेस को लगाया, एक्सेल टू वेब को लगाया और एक्सेल टू एसक्यूएल सर्वर को, एक्सेल टू ऑरिकल को, या कभी कभी ऐसी होती है कि डेटाबेस, अलग अलग डेटाबेस होते हैं, आपको समझ में नहीं आती है, तो पिवट, उसमें जब पिवट टेबल आप लगाएंगे, न्यू सोर्स में जाएंगे, चूज कनेक्शंस में, ब्राउज फॉर मोर, तो अगर डेटाबेस की पूरी पाथ आपको पता है, डेटा फाइल से मान लीजिए फॉक्सप्रो की फाइल है, सैस की फाइल है, टैबलो की फाइल है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उसका किसके अंदर इंक्लूड करें, उसका पूरा पाथ यहाँ लिख के ओपन कर दीजिए, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन कोई डेटाबेस आपका है तो उसके लिए न्यू सोर्स पे जाएं और न्यू सोर्स में जो डेटा है वो सिलेक्ट करें, जैसे ओरेकल के लिए इसको सिलेक्ट करते हैं, अजूरे के लिए इसको सिलेक्ट करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर के लिए, एसक्यूएल सर्वर एनालिसिस सर्विस के लिए करते हैं, या डेटा फीड कोई है, या ओडीबीसी डीएनएस का डेटा कोई है इसको लेते हैं, या इसमें से कोई समझ में नहीं आ रहा है तो एडवांस पे जाते हैं, और एडवांस पे आने के बाद आप अपने टैग इन से पता कीजिए इसके लेजेंड्स और डाल दीजिए, आपका डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कौन सा है इसलिए बहुत सारे आ गए ना, फिर इसके कनेक्शंस क्या है, डेटा सोर्स नेम क्या है, पासवर्ड वगैरह क्या है, तो इसके जो फीचर्स है फीचर्स डाल दीजिए, ये आपका कनेक्ट हो जाएगा। राइट, तो एक्सटर्नल डेटा सोर्स आप लोगों को समझ में आ गया, एक्सटर्नल डेटा सोर्स कैसे इस्तेमाल करते हैं विदाउट आप लोगों को, क्या बोल रहे हैं, नहीं कर सकते पिवट टेबल के थ्रू, नहीं कर सकते, उसके लिए डेटा इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैं आपको डेटा इनपुट बार में पढ़ाऊंगा उसमें पढ़ाऊंगा। हाँ, किसी पर्टिकुलर साइट से डेटा ला सकते हैं, लेकिन वो साइट जो है ना वो एक्सेल एम्बेड होनी चाहिए, फिर भी आएगी, मना नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं कल सेम टाइम, ओके बाय। हाँ बोलिए बोलिए ना सर, बोलिए आपसे। अरे हाँ, मैंने सुबह मॉर्निंग में वीडियो अपडेट कर दी है, देख तो देखा किस तरीके से मैंने अभी अपने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन बैठे हुए थे सुबह 7 बजे ट्रेनिंग दिया। आप लोग भी चाहो तो मेरे साथ इस तरह से क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, तो सबसे पहले हम डेमो देते हैं, तो मेरी वेबसाइट पे जाके डेमो क्लासेस को बुक कीजिए और मेरा नंबर स्टोर करने के लिए किस प्रॉब्लम मुझे कॉल कर सकते हैं, और मेरे डीवीडीज भी सेल आउट करते हैं तो आप मेरे डीवीडी भी परचेज कर सकते हैं, मेरी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, और ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज का अपडेट्स आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।